गाइस, मैं हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आप अपनी बॉडी को फिट एंड मेंटेन रखना चाहते हैं, वो भी हमेशा के लिए? तो आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड मेंटेन रहेगी, साथ के साथ आपका वेट भी रिड्यूस होने लगेगा। बट आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड मेंटेन तब रहेगी जब आप मेरे इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे एंड इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा के लिए फिट एंड मेंटेन रहे, साथ के साथ आपका वेट भी रिड्यूस होने लगे, तो आपको मेरे इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है, वन डे भी मिस नहीं करना है। एंड इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं, ओनली 10 to 20 मिनट्स निकालने की जरूरत है। ना ही इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए किसी भी तरीके की इक्विपमेंट की जरूरत है। आप इन एक्सरसाइजेस को आराम से अपने घर पे या अपने टेरेस पे कर सकते हैं। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है। इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन फर्स्ट अपने राइट लेग को यूज करना है। राइट लेग को आपको ओपन करना है, लेफ्ट साइड से देन राइट साइड लेके जाना है, वन सर्कल बनाना है, देन अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है। अगेन सेम, लेफ्ट देन डाउन, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। इसको 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने राइट लेग को यूज करना है, राइट लेग को फ्रंट साइड लेके जाना है, देन लेफ्ट लेग को बैक साइड, अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है, देन अप, राइट साइड 15 के 2 सेट्स करने। सेम लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट साइड 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स को फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करके बैक साइड रखना है, देन फर्स्ट अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग को टच करना है, अपने हिप्स को अप साइड रखना है, देन राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है। फर्स्ट आपको अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को टच करना है, सेम लेफ्ट से राइट लेग को टो को टच करना है। इसको 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही अपने लेग को ओपन करना है। फर्स्ट आपको अपने राइट लेग के नी को बेंड करना है, राइट साइड डाउन साइड जाना है। जब आप अपनी बॉडी को और अपने लेग को राइट साइड डाउन करेंगे तो अपने लेफ्ट लेग को
स्ट्रेट करके रखना है, सेम लेफ्ट साइड करना है, राइट लेग को स्ट्रेट करना है, इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी ही प्लेसिंग में खड़े होकर अपने दोनों लेग्स को अप डाउन करना है, इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके बैक साइड लेके जाना है। देन अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करना है। देन अगेन दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड ला के अपने दोनों लेग्स किन्नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है। अगेन सेम इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको अपने दोनों लेग्स को अप डाउन करते हुए अपने दोनों हैंड्स को रोल करना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड रोल करना है। फ्रंट साइड 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम बैक साइड करना है। फर्स्ट फ्रंट साइड देन सेकंड बैक साइड। बैक साइड में 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।